आपने जो पहले अपनी ब्रीफिंग में बताया कि जो फौज का काम मगरबी सरहदों पे मशरकी सरहदों पे जो इंटरनल सिक्योरिटी दहशतगर्दी की जंग बहुत कामयाबियां हैं और वहां पे हर महाज पे मुतमिन भी हैं, कौम भी मुतमिन है। लेकिन सर सोशल मीडिया का जो महाज है, माजरत के साथ, वहां पे हुकूमत, रियासत, अदारे, हम उस तरह कामयाब भी नहीं है और मैं समझूंगा कि रियासत नाकाम हो रही है। हाँ, मैं आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो DGISI हैं, उनको, उनकी बर्दाश्त को मैं दाद देता हूं, लेकिन सर रियासत कमजोर हो रही है। उनकी जात की बात हो तो वो बर्दाश्त करें। रियासत पर हमले हैं पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से। शाहीन साहिबाई साहब हैं जी, वजाहत एस खान हैं, आदिल राजा हैदर मेहदी, वो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, पूरा टोला है और आपस में ये मुनज्जम है, पूरा नेटवर्क है, ये कोई अब ढक्की छुपी बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन कोई रिएक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। इतनी कमजोरी क्यों है? क्या आईन और कानून में कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके उसके ऊपर रहते हुए इसका सदेबाब हो? क्या कुछ ऐसी पॉलिसी है? अगर हुकूमत नहीं कर रही, अदलिया खामोश है, तो अदारे कहां तक खामोश रहेंगे? कुछ है प्लान में या हम समझे कि बर्दाश्त ही करते रहेंगे? आपने एक बड़े अहम मसले की तरफ निशानदेही की, जो कि आजकल जो सा है, जिससे ये पूरी जो एक हैजान और इस तरह आपकी कैफियत तारी हुई हुई। देखिए, आईने पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी राय का हक देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन यही आईन इस आज़ादी राय को चंद कवानीन और बंदिशों के अंदर कयूद करता है। सोशल मीडिया और मीडिया में भी अफवाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के खिलाफ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर जुम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आइनी भी है। और हमें इस बात का भी इदराक है कि हो सकता है कि कुछ लोग ये जाती हैसियत से कर रहे हों, बल्कि लेकिन इसके पीछे कुछ जाती और सियासी मकासद भी हैं। और कुछ केसेस में बैरून मुल्क जो आपकी एजेंसीज हैं, जो हॉस्टल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके एजेंडे को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके अहलकार भी बने हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान का जो कानून कवानीन है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारा डिसिप्लिन है, वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम हर बिला बुनियाद इल्ज़ाम और तजिए का तुर्की बातुर्की जवाब दें। आप लोग भी ये नहीं चाहेंगे, अवाम भी ये नहीं चाहेगी कि उनकी अफवाज एक लाहासिल बहस में पड़ जाए। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अपना फोकस अपने ऑपरेशनल मैटर से, जो कि हुकूमत और आईन ने हमें तकवीज की है, उन जिम्मेदारियों से हटा के इस लाहासिल बहस में पड़ जाए। हम तामीरी तनकीद को अहमियत देते हैं, लेकिन ये बात हम बताना जरूरी समझते हैं कि दुनिया की किसी और फौज की तरह अफवाज पाकिस्तान भी धौंस और फरेब से इसको दबाव में नहीं डाला जा सकता। जहां तक सरकोबी का मामला है, जो आपने कहा, अगर यही बातचीत आपके बारे में, सहाफियों के बारे में, या सियासी लीडर्स और उनकी पार्टीज के बारे में की जाए, तो आपको पूरा हक हासिल है कि उसी मीडियम में रह के आप उनको जवाब दें। अगर ये किसी मौजूदा जज के बारे में की जाए, तो हितक इज्जत का कानून हरकत में लाया जा सकता है। अगर ये बातचीत इदारों या उनके अहदेदारान के बारे में की जाए, तो हम भी कानून को हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान को ही हरकत में ला सकते हैं, जिसकी कुछ मिसालें आपको कुछ केसेस के सिलसिले में मिलती भी हैं।